जैसा कि आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हो कि आदि मानव थे वो ज़्यादातर जंगलों में रहते थे और पहले वो लोग क्या करते थे, शिकार मतलब शिकार ही खेलते थे, बल्क रूप पर ही रहते थे। ठीक है ना, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, और भी शिकार खेलते बल्क रूप पर रहते, नदियों के किनारे रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती शुरू कर दी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है ना, सबसे पहले आता है हंटर गैदरिंग। हंटर यानी शिकार करना, गैदरिंग यानी हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं या मतलब खेती बाड़ी इसको कहते हैं। ठीक है, उनके नाम के आधार पर ये शिकार मतलब खाने के आधार पर उनका नाम पड़ गया हंटर गैदरिंग। मतलब द नेम कम्स फॉर द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, मतलब कि उनके फूड के आधार पर ही हम उनका नाम लेते हैं। हंटर कई तरह से पहले शिकार भी खेलते थे, उसके अलावा क्या करते थे, वो फल फ्रूट ठीक है ये खाते थे। तो इस आधार पर हमने उनका नाम हंटर गैदरिंग रखा। द नेम कम फॉर द वे इन विच दे गॉट दे फूड, यानी फूड के आधार पर हमने उनका नाम लगा कि वो हंटरिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे। ठीक है ना, अब है दे हंटरिंग वाइल्ड एनिमल गैदरिंग फ्रूट फ्रूट एंड ईट, यानी वो क्या करते थे, दे हंटरिंग वाइल्ड एनिमल यानी जानवरों को वो पकड़ते थे, मारते थे, खाते थे, और गैदरिंग यानी फ्रूट फ्रूट्स और ये खाते थे। ये लोग क्या करते थे, जो छोटे मोटे जानवर होते थे उनको पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे। कई पहले तो लोग है ना कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया तो उन्होंने उसको भून के खाने लगे। फिर उसके अलावा एक एक चीज खाकर इंसान बोर हो जाता है, तो उन्होंने शिकार के अलावा वो क्या करते थे, फ्रूट्स जो पेड़ों के फ्रूट्स होते थे, कई पत्तियाँ भी खाते थे, कई अच्छी लगती थी, फ्रूट्स भी खाते थे और कई क्या करते थे, फ्रूट्स भी खाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे और फ्रूट्स और ये पेड़ों के ये भी खाते थे। ठीक है, ये सारा कुछ है। और वो लोग क्या करते थे, एक प्लेस के अनदर प्लेट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी जाते थे। क्यों, क्योंकि एक ही जगह पर रहते वो एक ही जगह पर रहते तो फल फ्रूट है वो खाते तो वो भी खत्म हो जाते हैं, शिकार के हम खेलते तो वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करते थे, खाने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते थे, क्योंकि एक जगह वो दो तीन महीने रहे तो वहाँ फ्रूट्स के पेड़ है वो उन्होंने खा लिया, कर लिया, खत्म हो गया, फिर शिकार भी जैसे आसपास का खाते, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते, वहाँ पर दूसरे फ्रूट्स होते उनको खाते, दूसरा शिकार के लिए। ठीक है, इस हिसाब से वो खाने के कारण वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते थे। ठीक है, और उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है ना, जैसे अब गर्मी है, गर्मी में पानी की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, सीजन चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से वो क्या होता है, जैसे सीजन चेंज होता है तो दे नीड वाटर इन ड्राई सीजन, क्योंकि ड्राई सीजन में हमने देखा है गर्मियों में पानी की क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पानी नहीं होता, तो वो पानी की तलाश के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। हाउ डू वी नो दैट पीपल यही करते थे कि वो लोग एक स्थान में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि कई बार हम कह सकते हैं कि ऐसा चेंज हो जाता है, मौसम चेंज होता है, पीने का पानी नहीं मिलता, तो वो ऐसी जगह जाते जहाँ नदियाँ झरना तालाब हो, तो वो पानी के लिए ड्राई सीजन होता है, गर्मी आती तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे पानी की तलाश करने के लिए, तो पानी के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कई बार सीजन चेंज होते थे, विंटर भी मानो कई बार जिस जगह पर वो रह रहे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो अलग प्लेस भी जाते थे गर्मियों के लिए कि भाई वहाँ उस वाले आगे जाने पर हमें कम सर्दी लगेगी, तो वो इस हिसाब से सीजन के हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। और जो पुरातत्व नेता है उन्होंने क्या किया है कि ये सब चीज़ें उनको उन्होंने हमें बताई है, क्योंकि आदि मानव के हमें क्या होता है उधाइयों से, इससे हमें आदि मानव के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो पुरातत्व नेताएँ हैं वो लोग क्या है, उधाई से जो टूल्स मिले हैं उन टूल्स में हम स्टोन के भी मिले हैं, पत्थर के भी मिले, वुड यानी लकड़ी के भी मिले, और बोन यानी हड्डी के भी टूल्स मिले। माने कौन कौन से टूल्स मिले हैं, मतलब कौन
लेसन है, वो लोग क्या होता था कि वाटर की तलाश